हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूँगी साइंस एंड डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट साइन है होल्स्टर साइन। इससे पहले हमने बात की थी कि डर्मेटोमायोसाइटिस जो है वो देखने को मिलता है किसमें, गॉटरन्स साइन में और गॉटरन्स पैप्यूल्स, मतलब गॉटरन्स पैप्यूल्स और गॉटरन्स साइन जो है वो डर्मेटोमायोसाइटिस में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट साइन हम देख रहे हैं होल्स्टर साइन। होल्स्टर साइन भी जो है आपका डर्मेटोमायोसाइटिस में देखने को मिलता है। इसमें अगर आप देखो कि थाइज़ और जो लेटरल पोर्शन ऑफ थाइज़ है उसमें आपको मैकुलर वॉलिसिस एरिदमा दिखाई दे रहा है, यानी कि पर्पल और रेडिश अपीरेंस दिखाई देगा, और ये जो है मैक्यूल की फॉर्म में होगा। मैक्यूल्स जो है वो खूब सारे मैक्यूल्स जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, कन्फ्लुएंट हो जाएंगे, और इस एरिया में जो है बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगेगी, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि खूब सारे मैक्यूल्स मिलकर के जो है वो पैच का फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो है प्रोराइटिक मैक्यूलर वॉलिसिस एरिदमा होगा, या फिर प्रोराइटिक वॉलिसिस एरिदमा इन द फॉर्म ऑफ पैच, ठीक है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, लेटरल थाइज़ में, और किस में देखने को मिल रहा है, डर्मेटोमायोसाइटिस में। गॉट इट। नेक्स्ट साइन है हाइपोपायोन साइन। हाइपो मीन्स नीचे, पायोन मीन्स, पायोन जो है वो आपका पस से रिलेटेड है, पुरुलेंट मैटर से रिलेटेड है, तो हाइपो मीन्स नीचे हो गया और पायोन मीन्स पुरुलेंट मैटर और पस। तो जो भी इसमें लेजन्स होगा, तो इसका मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है कि जो भी लेजन्स होगा उसमें जो आपका पस का एक्यूमुलेशन होगा वो लेजन के जो है लोअर साइड में आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर पेशेंट को हम स्टैंडिंग पोजिशन में करते हैं, कोई भी खड़ी पोजिशन में करेंगे पेशेंट को, तो उसमें जो भी आपका पस होगा या पुरुलेंट मैटर होगा वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लेसन में जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको किस में देखने को मिल रहा है, पायोडर्मा या फिर पैम्फिगस बुलस पैम्फिगोइड, इसमें आपको देखने को मिल रहा है। जो भी वसाइको बुलस डिसऑर्डर्स होते हैं, वसाइको बुलस डिसऑर्डर्स के एग्जांपल हो गए आपके पैम्फिगस वल्गेरिस हो गया या फिर बुलस पैम्फिगोइड हो गया, तो इनमें जो है हाइपोपायन साइन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस केस देयर इज अ ट्रांसवर्स फ्लूइड लेवल कंप्राइजिंग ऑफ पुरुलेंट मटेरियल एट द बॉटम व्हेन द पेशेंट इज इन अ स्टैंडिंग पोजिशन। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो कि देखो इस लेजन में जो है सारा का सारा जो पस मटेरियल है वो नीचे आकर के एक्यूमुलेट हो गया है, तो इसको बोलते हैं हाइपोपायोन साइन। हाइपोपायोन जो है आपने आई डिसऑर्डर्स में भी पढ़ा होगा, ऑप्थल्मोलॉजी में कौन से आई डिसऑर्डर में पढ़ा, ये देखो इसे देखना, चेक करना, ठीक है। बस मैंने इतनी हिंट दे दी है कि हाइपोपायोन अल्सर, वहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइपोपायन अल्सर। तो ये जो है किस केस में देखने को मिलता है, कौन सा ऑप्थल्मिक डिसऑर्डर होता है, ये लोग आप चेक करना, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसे स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए बीच बीच में ऐसे पोक करके छोड़ देना चाहिए, जो मेरी हैबिट है तुम लोग जानते हो। तुम लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड होगा पढ़ने के लिए वो ज़रूर जा कर के देखेगा कि हाइपोपायन आई कौन से आई डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, ठीक है, ये देखना। नेक्स्ट साइन है नोज साइन। नोज साइन जो है किस में देखने को मिलता है, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस में देखने को मिलता है। नाम से ही पता चल रहा है एक्सफोलिएशन, जहाँ पर एक्सफोलिएशन हो रहा है उसमें देखने को मिलता है। इस केस में क्या होता है, नोज साइन बोला है तो मतलब नोज़ का, डेफिनेटली नोज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन नोज़ में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, देयर इज़ कम्प्लीट एब्सेंस ऑफ एरिदमा एंड स्केलिंग ऑफ द नोज़ और पेरी नेजल एरिया। तो जो पेरी नेजल एरिया है और जो नोज़ है वहाँ पर आपका टोटली एब्सेंस ऑफ स्केल्स एंड एरिदमा, ये देखने को, एरिदमा और स्केल्स देखने को नहीं मिलेंगे नोज़ और नोज़ के अराउंड जो स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं नोज साइन। ये किस में देखने को मिल रहा है, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस में, ठीक है। नेक्स्ट साइन है ऑयल ड्रॉप साइन। ऑयल ड्रॉप साइन जो है वो आपको देखने को मिलता है नेल सोरियासिस में। तो इसमें क्या होता है कि ऑयल स्पॉट लेजन्स देखने को मिलते हैं, जो येलोइश ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, जो
नेल के अगर हम सरफेस से देखें तो वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सोरियासिस ऑफ द नेल बेड कॉजेज सीरम एंड स्केलिंग डेब्रिस टू एक्यूमुलेट अंडर द नेल प्लेट, जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस है वो ऑयल ड्रॉप होता है। तो ये आपको किस में देखने को मिल रहा है? सोरियासिस में, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट साइन है पेयर साइन। देखो यहाँ पर पिक्चर में जो है पेयर का शेप बनाया हुआ है, तो इसमें ये क्या बोल रहा है? जैसे कि हाइपोपायन साइन मैंने बताया था कि ये जो है कहाँ पर, वसाइको बुलस डिसऑर्डर्स। वसाइको बुलस डिसऑर्डर्स के एग्जांपल में क्या क्या था यहाँ पर देख सकते हो। जैसे वसाइको बुलस डिसऑर्डर्स में जो है आपका पैम्फिगस हो गया और बुलस पैम्फिगॉइड हो गया, तो यहाँ पर जो है हाइपोपायन साइन देखने को मिल रहा है। सिमिलरली आपका ये जो पेयर साइन है इसमें क्या होता है, इट इज़ पॉजिटिव इन पैम्फिगस वल्गेरिस, जो हमने अभी पहले बात करी थी हाइपोपायन की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी फ्लूइड होता है पैम्फिगस वल्गेरिस में वो आपका लोअर पार्ट ऑफ बुल्ला, जो भी वेसाइकल है या बुल्ला है उसके लोअर पार्ट में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारा का सारा फ्लूइड लोअर पार्ट में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं पेयर साइन। इसको पेयर साइन क्यों बोल रहे हैं कि जो ऊपर का एरिया है वो आपका नैरो होगा और नीचे का जो एरिया होगा ब्रॉड होगा। जैसे इस डायग्राम में देखो कि सपोज़ ये आप जो है इसको लेजन समझो, तो लेजन के ऊपर वाले पोर्शन में जो है कोई फ्लूइड नहीं है, ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से सारा का सारा फ्लूइड जो है नीचे आ करके एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ये जो है आपका पेयर के शेप में फॉर्म होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पेयर साइन। तो पेयर साइन इज़ पॉजिटिव इन पैम्फिगस वल्गेरिस और वसाइको बुलस डिसऑर्डर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है पंची साइंस। पंची साइन में क्या होता है, ये जो है विटिलिगो में देखने को मिलता है। विटिलिगो के यूजुअली जो कलर होता है, पैच होता है, मैक्यूल होता है, वो वाइटिश इन कलर होता है, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं फीमेल्स में ये देखा गया है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो आपके विटिलिगो के मैक्यूल्स या विटिलिगो के जो पैचेस थे वो टर्न हो जाते हैं पिंक में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, लेकिन आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इट टर्न्स टू द ओरिजिनल कलर। तो जो विटिलिगो पैट पिंक कलर का हो गया था वो वापस से जो है अपने ओरिजिनल कलर में यानी कि वाइटिस फॉर्म में आ जाता है, तो ये है आपका पंछी साइन, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट साइन है पप टेंट साइन। पप टेंट साइन ये आपको देखने को मिलता है नेल लाइकिन प्लेनिस में। तो नेल लाइकिन प्लेनिस में क्या होता है कि नेल जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पप टेंट। देखो यहाँ जो है पिक्चर में दिखाया हुआ है टेंट, तो टेंट का जो अपीयरेंस है वो इस तरह का है, तो इसमें जो लेसन्स का अपीयरेंस होता है, नेल्स जो स्प्लिट होते हैं और इसका जो एलिवेशन होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है इन द फॉर्म ऑफ टेंट, टेंट के फॉर्म में, तो इसलिए इसका नाम जो है पप टेंट रखा गया। यहाँ देखो ट्रायंगुलर पप टेंट सेम इस फॉर्म में, तो इसलिए इसको जो है पप टेंट साइन बोलते हैं, जो आपका नेल लाइकिन प्लेनिस में देखने को मिलता है। लाइकिन प्लेनिस जो है यूजुअली स्किन और म्यूकस मैम्ब्रेन को जो है इन्वॉल्व करता है। म्यूकस मैम्ब्रेन जहाँ जाए वहाँ पर लाइकिन प्लेनिस हो सकता है और स्किन में लाइकिन प्लेनिस हो सकता है, ठीक है। तो लाइकिन प्लेनिस क्या होता है इसे भी डिटेल्स में देख लेना, इसके 5P हमेशा याद रखना, लाइकिन प्लेनिस के 5P क्या होते हैं इसे देखो, क्लास में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट साइन है समिज साइन। समिज साइन भी जो है आपका डर्मेटोमायोसाइटिस में देखने को मिलता है। इससे पहले बताया था कि डर्मेटोमायोसाइटिस में कौन कौन से साइंस देखने को मिल रहे हैं, एक तो हॉलस्टर साइन बताया था। हॉलस्टर साइन में क्या हो रहा था, जो लेटरल थाइस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, वॉलेसियस एरिदमा इन द फॉर्म ऑफ पैच, पैच बोला है तो इट मीन्स यहाँ पर लेजन जो है वो एलिवेटेड नहीं होंगे, इसमें पैप्यूल्स नहीं है, इसमें जस्ट मैक्यूल्स होंगे, मैक्यूल्स जो है वो खूब सारे मैक्यूल्स जो हैं वो कन्फ्लुएंट होकर के जो है पैच का फॉर्म कर रहे हैं, जो पर्पलिश रेडिश इन कलर होते हैं और ये
इची प्रोराइटिक होता है। तो ये है आपका होल्स्टर साइन, जो कहाँ देखने को मिल रहा है, लिटिल साइड ऑफ द थाइज में। एक साइन हमने पढ़ा था गॉटरिंस पैप्यूल्स, गॉटरिंस पैप्यूल्स और गॉटरिंस साइन। तो इसमें क्या बताया था कि जो भी आपके नकल्स हैं या इंटरफेलिजियल जॉइंट्स हैं, मेटाकार्पोफेलिजियल जॉइंट्स हैं, या नी है, एल्बो हो गया, तो यहाँ पर जो है आपको पैप्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये था गॉटरिंस साइन और गॉटरिंस पैप्यूल्स। नेक्स्ट साइन जो है समिड्स साइन, ये भी आपका डर्मेटोमायोसाइटिस में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि नेल्स जो होते हैं, नेल्स का जो है क्यूटिकल वाला पोर्शन होता है, वो आपका डिस्ट्रॉफिक और रैग्ड हो जाता है। डिस्ट्रॉफिक मतलब इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से वो नेल्स जो है आपके प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाती है और उनका अपीयरेंस जो है चेंज हो जाता है। तो रैग्ड क्यूटिकल इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, समिड साइन। लास्ट साइन है शॉल साइन, शॉल साइन भी जो है आपका डर्मेटोमायोसाइटिस में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, बॉडी के दोनों साइड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सिमेट्रिकल अपीरेंस है। कन्फ्लुएंट वॉलेसियस एरिदमा, देखो पहले भी बताया था कि इसमें जो है जो भी लेसन्स है वो आपका वॉलेसियस यानी कि वॉलेट कलर लाइट पर्पलिस रेडिश इन अपीरेंस होता है, और जो होता है वो आपका मैक्यूलर और पैच के फॉर्म में होता है। तो ये जो है आपका शॉल, जैसे हम ओढ़ते हैं शॉल, जितना पोर्शन शॉल ओढ़ने में हम लगाते हैं तो उतना पोर्शन आपको जो है इसमें दिखाई देगा, कैसा, वॉलेट रेडिश अपीयर्ड स्किन इन द फॉर्म ऑफ मैक्यूल्स विच आर कन्फ्लुएंट एंड फॉर्म द पैच। तो शॉल जैसे हम ओढ़ते हैं, जितने एरिया में शॉल कवर होता है उतने एरिया में आपको ये लेसन्स देखने को मिलते हैं, जैसे डॉर्सोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म्स, आर्म्स, डेल्टॉइड रीजन, शोल्डर्स एंड नेक। तो ये है शॉल साइन। तो हमें डर्मेटोमायोसाइटिस में जो है कितने साइन पढ़ लिए, टोटल 4 साइन। एक तो पहला था आपका गॉटरिंस पैप्यूल्स, दूसरा होल्स्टर साइन, तीसरा समिड्स साइन, फोर्थ है शॉल साइन, ठीक है। ऐसे ही ट्राइकोटिलोमेनिया में 2 साइन पढ़े हमने, फ्रायरटक साइन और हैमबर्गर साइन, ठीक है। तो याद रहेगा ये सारे साइन जो है डर्मेटोलॉजी में हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन साइंस हैं मैंने उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बताया है, इतना भी आपको अगर पता हो तो ये बहुत है, ठीक है। तो इनको पढ़ो अच्छे से, जो जो मैंने टर्म्स यूज़ किए, जैसे लाइकेन प्लेनिस क्या है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस क्या है, पैम्फिगस वल्गैरिस क्या है, वेसाइकोबुलस डिसऑर्डर्स क्या है, इनको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लो। पिट्रियासिस रोजेसिया ये क्या है, इन्हें पढ़ो। 5P ऑफ लाइकेन प्लेनिस क्या है, इसे पढ़ो, ठीक है। तो ये साइंस जो है अच्छे से इनको याद कर लेना, क्लिनिक में जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फाइट कर रहे हैं करेंगे आगे चल के, उनको तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। चलो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।